नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 9 के पूरे साल 2023 के राशिफल के बारे में। आप में से किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है, जिसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। यह ग्रह बहुत ही ऊर्जावान है, इसीलिए ऐसे जातक हमेशा आगे बढ़कर ऊंचाइयों को छूना पसंद करते हैं। अपनी सोच और मेहनत के बल पर सभी कठिन परिस्थितियों को पार भी कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ नया कर दिखाने में तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस साल आपके कार्य में संघर्ष अधिक बना रहेगा, जिसके कारण कुछ बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं और जल्दबाजी में आपका काम भी बिगड़ सकता है। तो इस साल किसी भी काम में हड़बड़ाहट और जल्दबाजी तो कतई ना दिखाएं। इस वर्ष आपको कुछ नया कर गुजर जाने के अवसर भी प्राप्त होंगे, इसीलिए कार्य को लेकर कोई भी निर्णय बड़े आराम से इम्तिहान से लें, फिर आगे बढ़ें। व्यापारी को व्यापार में नया व्यवसाय, नया बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, जिससे आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। इस साल प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों का वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक बॉस के साथ रिश्तों में कुछ खटास हो सकती है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश आपके कलीग्स कर सकते हैं और आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ राजनीति भी कर सकते हैं। इसीलिए पूरे वर्ष वर्क प्लेस पर आपको अपने आप को किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, सबसे दूर ही रहना है और अपने कार्य में फोकस बनाकर चलना है। किसी भी बातों में अगर किसी के साथ धन का लेन देन भी बिल्कुल ना करें, यदि आप धन का लेन देन करते हैं तो नुकसान आप ही का होगा। इस साल आपका धन आपके घूमने फिरने और वाहन पर भी बहुत अधिक खर्च होगा, यानी कि इस साल हो सकता है आप जो भी व्हीकल चलाते हैं, 4-व्हीलर 2-व्हीलर, उसके मेंटेनेंस में भी आपका पैसा काफ़ी अच्छा खासा खर्च होता हुआ नजर आए। शेयर मार्केट में यदि आप रुचि रखते हैं तो वहाँ से आपको धन प्राप्ति, एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति हो जाएगी। साल के मध्य में पुराने किए गए निवेश से भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई LIC या म्यूचुअल फंड से भी एक से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपका पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद चला आ रहा था तो इस वक्त पिता से मिलने वाली संपत्ति से भी आपको फायदा होगा। कुल मिलाकर एक मुश्त बड़ी रकम मिलने वाली है। हो सकता है आप जो सरकारी नौकरी कर रहे थे तो रिटायरमेंट से भी आपको एक मुश्त बड़ी रकम प्राप्त हो। कुछ भी हो, बड़ा फंड आपके बैंक में आने वाला है। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो इस साल आपकी लव लाइफ में गजब का जोश और उमंग देखने को मिलेगा। आप उनके साथ कहीं दूर कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी मधुर होगा। अगर आप अभी तक अकेले है, सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई भी लव रिलेशनशिप पार्टनर नहीं है तो किसी पार्टी में, किसी एजुकेशन प्लेस पर या आपके वर्क प्लेस पर ही आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा और आपकी लव लाइफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मैरिड पर्सन की अगर बात की जाए तो आपके मैरिड लाइफ में संबंध मधुर बने रहेंगे। इस वर्ष आप अपने साथी के साथ कार्यों में हाथ भी बढ़ाएंगे और भावनात्मक रूप से उनका साथ भी देंगे। हेल्थ की दृष्टि से बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल उतार चढ़ाव वाला साबित हो सकता है, इसीलिए आपको खान पान पूर्ण ध्यान देना होगा। मौसमी बीमारियां आपको बीमार कर सकती है, साथ ही साथ मौसम बदलते समय आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही इस साल आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अत्यधिक क्रोध की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। साल के अंत में अचानक से मानसिक तनाव के कारण कमजोरी और अकेलापन भी आपको महसूस हो सकता है। आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नए नए दोस्त बनाना पसंद करेंगे और इसी बीच आपकी दोस्ती किसी अपोजिट जेंडर से हो सकती है, जिसके साथ समय बिताने में आपको सुकून मिलेगा। पहले से शादी शुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी नोकझोंक बनी रहेगी और चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखेंगे और उनके साथ मिलकर आवश्यक खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं का प्रोग्राम भी करेंगे और ये यात्राएं आपके रिश्तों में नई ताजगी और नएपन का समावेश करेंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने वैवाहिक जीवन में अत्यधिक भावुकता और आक्रामक होने से बचना होगा और अपने साथी के प्रति ज़्यादा जिद्दी और अडिंग रहने से बचना होगा। इस प्रकार की कुछ आदतें जो आप में हैं उनको सुधारना होगा। इसके अलावा जिन लोगों के मैरिड लाइफ में विचारों को लेकर मतभेद चले आ रहे थे तो आपको अपने जीवन साथी पे पूरा पूरा विश्वास रखकर उनसे अपनेपन से अपनी मन की व्यथा कहनी होगी, जिससे स्थितियाँ पूरी ठीक हो जाएगी। यदि आपने मन की बात कहेंगी नहीं या कहेंगी नहीं तो आपके जीवन साथी को कैसे पता चलेगा कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप खुल के बात करते हैं तो इस साल आप अपनी मैरिड लाइफ एक नया शुरुआत कर सकते हैं, जो आपकी नई जिंदगी में संजोत के आपको एक मधुर लाइफ का एहसास देगी। और बिजनेस और व्यवसाय की दृष्टि से जाता जाता यह साल दिसंबर मंथ में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा और खुशियां भरा ये 2023 आपको पैगाम देगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये था मूलांक 9 का पूरे साल का राशिफल। इसके अलावा आप कोई भी प्रकार की समस्या से व्यतीत गुजर रहे हैं और कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से एक निश्चित राशि जमा कराकर टेलीफोन अपॉइंटमेंट प्राप्त करके सीधा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।